और मेरे हिसाब से ये रागिनी से बेटर फिल्म है, रागिनी से स्कैरियर है, डर ज़्यादा है इसमें, डर का क्वेश्चन जी जी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से लोगों का जो देख रहे हैं उनका रिएक्शन? सर एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, मेरी पिछली फिल्म जो थी रागिनी MMS 2, उसने पब्लिक को बहुत पसंद आई थी, उन्होंने हिट बनाई थी मेरी फिल्म को, तो फिर से एक्सपेक्ट तो वही करता हूँ कि ये फिल्म भी हिट बना ले, क्योंकि मेहनत इसमें भी इतनी ही की है जितनी रागिनी में की थी। और मेरे हिसाब से ये रागिनी से बेटर फिल्म है, रागिनी से स्कैरियर है, डर ज़्यादा है इसमें, डर का क्वेश्चन, तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हैट्रिक ऑफ हिट्स हो जाए मेरी। 1920 वो रिटर्न्स चली थी रागिनी MMS ने, बहुत अच्छा किया था, अभी भी अच्छा कर ले, बस एक्सपेक्टेशन यही है। हाँ जी, काम कर रहे हैं जी। किस तरह से सर सबको बहुत पसंद आई है फिल्म, क्योंकि फिल्म जैसे मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ हॉरर स्टोरी नहीं है, हॉरर फिल्म नहीं है, इसमें एक एक्चुअली लव स्टोरी है, ये कहानी है एक बहुत अच्छी, इसमें जो भूत है, घोस्ट है, जो विलन है, तो इट्स अ कम्प्लीट स्टोरी, ऐसे नहीं है कि हॉरर चलते जा रहा है कहीं भी। और जिन मेरे सब यूनिट को, कास्ट एंड क्रू सबको बहुत पसंद आई है फिल्म, दे हैव कंग्रेचुलेटेड मी एंड थैंक मी फॉर मेकिंग गुड फिल्म, एंड आई होप द पब्लिक आल्सो थिंक्स आई मेड अ गुड फिल्म। ओपनिंग की बात करें तो कुछ सोच रहे कि ओपनिंग कितनी? सर मैं सट्टा नहीं खेलता, मैं जुआ नहीं खेलता, जो ऑडियंस दे दे वो बस वो ठीक है, पिक्चर अच्छी है तो जाएंगे तो अच्छी ओपनिंग मिलेगी, आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। जितने मेरे हिट्स मेरे ट्रेलर को मिले थे, जितना लव मेरे ट्रेलर को दिखाया था, 6 मिलियन व्यूज़ कोई हिंदी फिल्म ने किया नहीं अभी तक यूट्यूब पे, तो अगर ऐसा ही चला फिल्म का तौर तो होपफुली अच्छी ओपनिंग मिलेगी। अलोन के बाद कोई और किसी फिल्म पे सोच रहे हैं? सर इस वक्त तो सिर्फ अलोन के बारे में सोच रहा हूँ, ऑल अलोन हूँ मैं, और अलोन के बारे में सोच रहा हूँ, बस ये फ्राइडे को रिलीज़ हो जाए, कल फ्राइडे सैटरडे संडे हो जाए, पता चल जाए पिक्चर का क्या फाइनल रिजल्ट है, फिर आगे की सोचेंगे। थैंक यू सर। वन फिल्म एट अ टाइम। थैंक यू सो मच।